मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये मेरी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की वीडियो नहीं है, इट्स अ वीडियो रिगार्डिंग टू माई बर्थडे गिफ्ट। तो इतने अच्छे से मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन हुई इस साल 2024 में, तो क्या क्या गिफ्ट्स मुझे मिले हैं इनको मैं करने वाली हूँ अनपैक एंड अनबॉक्स। और ज़्यादातर गिफ्ट ना मैंने भी अभी तक देखा नहीं है अपने ही बच्चों का गिफ्ट अभी तक देखा नहीं है मैंने, जस्ट थिंग गाइस, क्योंकि ढेर सारे हैं तो कुछ कुछ मैंने खोला है और कुछ कुछ वैसे ही सुमन जी मेरे मायके से उठा करके ले आए हैं, क्योंकि बर्थडे हुई उस दिन के रात को और हम लोग डायरेक्ट मम्मी के पापा के घर पे चले गए। और चाहती भी है मेरे मम्मी पापा की बर्थडेज में एटलीस्ट मैं उनके साथ रहूं। मिस्टर पॉल सुमन जी भी थे हमारे साथ और इस तरह से हमारी अच्छी सी टाइम जो है बर्थडे की वो स्पेंड हुई। लेकिन अब टाइम आया है, वो वक्त आ चुका है जब सारे गिफ्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। चलिए लेट्स सी क्या क्या मुझे इस साल मिला है गिफ्ट्स में। सबसे पहला गिफ्ट नंबर 1, अनन्यास मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, जहाँ पे मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है, उनके साथ मेरा है ब्रांड कोलैब। और ब्रांड कोलैब ब्रांड्स आप लोगों को पता है जो लोग यूट्यूब में है कि इंक्लूड पेड प्रमोशन, यानी उनके रेस्टोरेंट की प्रमोशन आप करोगे और आपको पैसे मिलेंगे इन टर्म ऑफ दैट। तो मेरा उनके साथ ब्रांड कोलेब्रेशन है और हर साल वो लोग मुझे एक मोमेंटो गिफ्ट करते हैं, तो इस साल भी मुझे इन लोगों ने एक मोमेंटो गिफ्ट किया है जो कि इस तरह से है। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने दिया है ये कार्ड, ये है मेरा बर्थडे कार्ड, हियर इज द लोगो, और इस तरह से कार्ड दिया है। और ये जो पिक था ऐसे वाला, ये होटल के वहाँ पर मतलब मेन डोर पे इन्होंने लगा दिया था, स्टिक किया हुआ था। गिफ्ट नंबर 2 है ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे इस साल गिफ्ट किया है मेरे हैप्पी बर्थडे में, और एनिवर्सरी का भी यही गिफ्ट है अलोंग विद ड्रेसेस। तो मैं दिखा दूँ, ये सोने के कंगन हैं। ओके, तो ये इस तरह के कंगन हैं, ऐसे वाले, ये ऐसे वाले कंगन हैं इस तरह के, तो बहुत ही खूबसूरत से कंगन की जोड़ियां हैं, मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड। गिफ्ट नंबर 3, ये है मेरे इस साल का बर्थडे ड्रेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा वन पीस फ्रॉक है, प्योर सिल्वर कलर में ये वन पीस है। इसके स्लीव्स इस तरह से रुमाल शेप्ड स्लीव्स हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लोग ब्लाउजेस में टॉप्स में इसको यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा वाला है। तो इस ड्रेस के बारे में कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसका लिंक भेजिए, इसका कोई लिंक मैं फ़िलहाल भेज नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मॉल से हम लोगों ने लिया था, सुमन जी ने मुझे स्पेशली बर्थडे में ये गिफ्ट दिया है मॉल से, तो इसका कोई लिंक नहीं है, ये ऑफलाइन शॉपिंग है। नेक्स्ट गिफ्ट है ये, तो इसके अंदर में क्या है अभी मुझे इसको अनबॉक्स करके उसके बाद देखना पड़ेगा, लेट्स सी क्या है इसमें। ये बहुत बड़ा सा कुछ शायद है, ये मुझे बहुत पसंद है, इस तरह के घर सजाने के सामान या क्रॉकरीज, बेसिकली कप प्लेट्स के सेट्स या डिनर सेट्स या शरबत का जो सेट्स रहता है मेड अप ऑफ प्योर ग्लास बॉन चाइना की सेट, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हाउस होल्ड की चीज़ें जो मुझे देते हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, मेरा यकीन है कि वो हमेशा चाहते होंगे कि मेरा घर परिवार जो है माई स्वीट होम ये सुंदर से सजा हुआ रहे, और इसीलिए ये सब हाउस होल्ड की चीज़ें गिफ्ट करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। ड्रेसेस से भी ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये मुझे मिला है, मैं दिखाती हूँ इसको खोल करके, इसके अंदर में कुछ थर्मोकॉल के अंदर ये सब है, मैं खोल करके दिखाती हूँ आप लोगों को, इस तरह का ऐसा वाला है, दिखाती हूँ मैं, ऐसा वाला क्रॉकरी का सेट है, बहुत सुंदर है,
देखिए ग्रीन कलर का जार है अलॉन्ग विथ ग्लासेस। अभी समर इज नॉकिंग एट द डोर, समर आने वाला है। हमारे दुर्गापुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी। तो उसमें तो घर पे जो भी आते हैं उनको हम लोग स्क्वैश वगैरह कई तरह की लस्सियाँ फ्रूट जूस शरबत ये सब कुछ तो सर्व करते रहते हैं। तो इसमें अब गेस्ट को सर्व करेंगे और मैं खुद मिस्टर पॉल खुद इसमें हम लोग पियेंगे शरबत वगैरह जूसेस फ्रूट जूसेस लस्सियाँ फ्रूट शेक्स जो कि हमारा बहुत फेवरेट है। तो ये है नेक्स्ट गिफ्ट। नेक्स्ट गिफ्ट है ऐसा वाला, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। होपफुली इसमें भी कुछ क्रॉकरी का ही सेट है, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए गाइस इसमें इस तरह के कप प्लेट का सेट है और ऐसी चीज़ें मैंने कहा है आई रिपीट अगेन मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई कप प्लेट के चीज़ घर सजाने के सामान फ्लावर्स डेकोरेटिव आइटम्स अगर गिफ्ट करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी सोच कितनी अच्छी है कि हमारी घर गृहस्थी सुंदर बनी रहे, इसलिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट गिफ्ट इसमें है, इसको भी अभी खोल ही रहे हैं। इसके अंदर में क्या है, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये देखिए इस तरह का शोपीस है, मतलब प्लास्टिक से बना हुआ है ऐसा वाला। एक और इसके साथ में है इस तरह का। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मतलब घर को सुंदर बना के रखने वाली चीज़ें ना, आई जस्ट लव लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया हुआ है मुझे एक गेस्ट ने। नेक्स्ट गिफ्ट मैं दिखाती हूँ आपके साथ जो कि अभी तक मैंने ही नहीं खोला है। एनवी परफ्यूम है, ये इस तरह की परफ्यूम है एनवी, बहुत बढ़िया सी परफ्यूम है, अच्छा लगा मुझे। ये भी किसी ने दिया हुआ है। अगला गिफ्ट आया है इसमें, ये मेरे पेरेंट्स का गिफ्ट है इस साल का, पापा मम्मी लोगों ने दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। ये भी एक ड्रेस है, ये लहंगा है जिसका ऐसा वाला दुपट्टा है ऐसा वाला, और मैं फुल लहंगे का लुक दिखाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है लहंगा ऑरेंज और रेड में, कितना अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन ऑरेंज और रेड। ऑरेंज कलर वैसे मुझे बहुत पसंद है, रेड तो मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट है इन टर्म्स ऑफ ड्रेसेस, ऑरेंज कलर भी मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसा है बिल्कुल इस तरह का है, काम किया हुआ है नीचे, वेरी ब्यूटीफुल। इसका ब्लाउज में दिखाऊँ आपको, तो पापा मम्मी लोगों के गिफ्ट का लहंगा का ये है ब्लाउज, इस तरह से है ये ऑल ओवर गोल्डन कलर में ऐसे काम किया हुआ है। हियर इज द लुक। मैं गिफ्ट अनबॉक्स कर रही हूँ और पीछे फैलते जा रहा है, देखिए ये सब समेटना है मुझे। खैर ये भी शायद नेक्स्ट गिफ्ट जो है मुझे लग रहा है कोई ड्रेस की होगी। हाँ ये ड्रेस की है गाइस, तो ये देखिए इसमें ऐसा वाला टी शर्ट है, वाह इसको तो रेगुलर यूज में पहना जा सकता है, बिल्कुल ऐसा है देखिए ऐसा वाला टी शर्ट है और इसके साथ ना ब्लैक प्लाजो है। ब्लैक प्लाजो ऑलरेडी मेरे पास एक है, फिर से एक आया है इस तरह का ब्लैक प्लाजो के साथ, इस तरह का टी शर्ट है ब्लैक प्लाजो मेरा है। मुझे प्लाजो डार्क कलर्स के ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी तरह जो लोग थोड़े से हेल्दी शॉर्ट है उनको ना लोअर में डार्क कलर पहनने से
बहुत अच्छा लुक आता है उनका ओवरऑल फिगर का। तो मैं हमेशा डार्क कलर्स लोअर पहनना पसंद करती हूँ, ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। बहुत अच्छा फैब्रिक कुछ मिल जाता है इन टर्म ऑफ दैट, मैं कभी कभार पीच या फिर पिस्ता ग्रीन पहन लेती हूँ, लेकिन जनरली मैं डार्क कलर्स लोअर पहनना पसंद करती हूँ। तो ये प्लाजो का कपड़ा बहुत अच्छा है, वेरी गुड मटेरियल से बना हुआ है, बहुत अच्छा है। देखिए इसका बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल ऐसे हाथ के ऐसे एक मुट्ठी में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गेस्ट जिन्होंने मुझे ये इतना खूबसूरत सा ड्रेस प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट भी ड्रेस मिला है मुझे ऐसा वाला, ये देखिए ऐसा वाला ड्रेस है, बिल्कुल लॉन्ग इस तरह का है, ये उल्टा किया हुआ है, मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखिए ऐसा लॉन्ग स्लीव का लॉन्ग ड्रेस है और ये कॉट्स वूल से बनी हुई है, मतलब ये भी विंटर वेयर ही है, विंटर में पहन के रह सकते हैं आप लोग। कई लोगों ने, काफी सारे गेस्ट लोगों ने इस तरह से एनवेलप में मुझे दिया है हार्ट कैश, और इसमें भी जैसे आपको दिखेगा हार्ट कैश ही है, लाइक दिस। इस तरह से 700 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, ऐसे कर करके नियर अबाउट 8000 रुपये के करीब मेरे जमा हो गए हैं। तो इस तरह से कई सारे गेस्ट ने मुझे ऐसे वाला एनवेलप में पैसा दिया है, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आता है कि अचानक से हम क्या गिफ्ट दें, क्या खरीदें फलाना वगैरह, तो वो लोग ऐसे एनवेलप में पैसे दे देते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड। ये जो प्लाजो मैंने वैलेंटाइंस डे के दिन खरीदा, मतलब पहना हुआ था, गोल्डन कलर में, बिल्कुल शिमर मटेरियल का, बहुत सॉफ्ट और बहुत सुपर कंफर्टेबल मटेरियल की ये प्लाजो है, और इसके ऊपर फुल स्लीव नेट टॉप पहने थे। तो ये भी मेरे बर्थडे में ही गिफ्ट किए थे मिस्टर पॉल, हस्बैंड जी का ही गिफ्ट है, और इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन से चॉइस किया था, उन्होंने पेमेंट किया हुआ था, और हम लोग मैक्सिमम कैश ऑन डिलीवरी ही लेते हैं जब भी ऑनलाइन से कोई भी चीज़ परचेस करते हैं। तो ये मैंने मीशो ऐप से लिया हुआ था, विच इज़ सुपर कम्फर्टेबल, मीशो ऐप मुझे बेनिफिट पॉइंट सब कुछ देते हैं, तो इसका लिंक मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी इस साल की मेरी गिफ्ट, और एक और गिफ्ट बाकी है, अभी दिखाती हूँ। सबसे अच्छा गिफ्ट है, इससे भी अच्छे अच्छे गिफ्ट है, लेकिन ये भी बहुत मायने रखता है मेरे लिए, इट मैटर्स अ लॉट। ये मेरा न्यू बैंक अकाउंट खोल दिया है मिस्टर पॉल ने, तो ये 7 तारीख से ही खोले हैं, और ये मतलब मेरे लिए कुछ एफडी उन्होंने बना दिया है। तो दिस इज़ द थिंग, इस साल 2024 की सारी मेरी बर्थडे गिफ्ट्स जितने भी थे उनकी अनपैकिंग, अनबॉक्सिंग जो भी बोले आप लोग, ये मैंने दिखाया, शेयर किया आपके साथ, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत बड़ा सा धमाका आने वाला है कुछ ही दिनों में, दैट्स धमाकेदार अचीवमेंट एंड धमाकेदार ब्लॉग इज अबाउट टू अराइव वेरी सुन, बहुत जल्दी मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी, मेरी फैमिली के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, जो लोग 24/7 मुझे ब्लेसिंग्स दिए और कितनी कितनी अच्छी चीज़ें देते रहते हैं, और ऑनलाइन में मुझे एज ब्लेसिंग कई सारे सब्सक्राइबर्स ने पैसे भेजे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतने दूर से मेरे जैसे एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ शेयर करने वाली ब्लॉगर को इतना ज़्यादा प्यार दिया और मुझे स्पेशल फील करवाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और दैट विल बी माय लाइफ स्टाइल व्लॉग, मैं पूरा दिन क्या कर रही हूँ। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।